हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेश गुप्ता आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ आप लोगों को आपके ही इस चैनल गुप्ता टीवी यूट्यूब हिंदी चैनल पर। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, आप लोगों को लाइव दिखाने वाला हूँ रॉयल क्यू से बाइनेंस अकाउंट के ऊपर फंड ट्रांसफर करके लाइव विड्रॉल करके दिखाने वाला हूँ आप लोगों को रॉयल क्यू से। रॉयल क्यू के अंदर वही फंड आता है जो आपका रेफरल इनकम रहता है, जो आपका टीम का इनकम रहता है वो रहता है, और जो प्रॉफिट ट्रेडिंग से जो प्रॉफिट निकलता है वो आपके बाइनेंस पे ही रहता है। और जो आपका ये रॉयल क्यू का जो कमीशन वाला जो रहता है डायरेक्ट इनकम का और जो भी आपका रहता है रॉयल क्यू में, उसको आप विड्रॉल करेंगे बाइनेंस के अकाउंट पर, तो कैसे करेंगे वो इस वीडियो के अंदर आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने बाइनेंस का अकाउंट लॉगिन कर लिया, मान लीजिए आप कहीं भी विड्रॉल कर सकते हैं, आप रॉयल क्यू का जो आपके एसेट में जो पड़ा हुआ है रॉयल क्यू में ये वाला, इसको आप ट्रांसफर करना चाहते हैं यूएसडीटी कहीं भी तो आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, माइन पे क्लिक करना होगा। माइन पे क्लिक करने के बाद एसेट पे क्लिक करेंगे, और एसेट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए डिपॉजिट विड्रॉल ट्रांसफर, तो जब विड्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर फीस लगेगा $2 का, ठीक है, $2 का फीस लगेगा। अगर ये $2 बचाना चाहते हैं तो आप एक काम कीजिए, ट्रांसफर के ऊपर क्लिक कीजिए। ट्रांसफर के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका TRC वाला जो एड्रेस होगा उसके ऊपर आप ट्रांसफर कर सकते हैं, और जीरो फीस में है ना, ट्रांजेक्शन फीस कुछ भी नहीं लगेगा है ना। तो आपका TRC एड्रेस आपका बाइनेंस का हो सकता है, क्वाइन डीसीएस का हो सकता है, यानी कि TRC ही होना चाहिए अगर आप ट्रांसफर करेंगे तो है ना, TRC में ही विड्रॉल भी होता है, TRC USDT में ही। तो हम यहाँ पर बाइनेंस का ले लेते हैं एड्रेस TRC20 का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करेंगे, बाइनेंस में डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर नेटवर्क सेलेक्ट करेंगे TRC 20, ठीक है, और इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम आ जाएंगे रॉयल क्यू के अंदर, और रॉयल क्यू में यहाँ पर रिसीव अमाउंट जो है इसके ऊपर हम पेस्ट कर देंगे, ठीक। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर ट्रांसफर क्वांटिटी, मान लीजिए हम $50 ट्रांसफर करना चाहते हैं तो 50 यहाँ पर इंटर कर देंगे। 50 इंटर करने के बाद अब यहाँ पर कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है, कन्फर्म के ऊपर हम क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद ट्रांजेक्शन पासवर्ड और सेंड ईमेल पे आएगा, तो वो आपको यहाँ पे कन्फर्मेशन देना है, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन पासवर्ड यहाँ पर डाल लेते हैं, और यहाँ ईमेल सेंड पर क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल कोड जाएगा आपके ईमेल पे जो ईमेल से रजिस्टर किए होंगे। तो ये देखिए ईमेल आईडी पर आया है कोड, इसको हमने कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद इसमें इंटर कर देंगे, ठीक, और कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे। पासवर्ड इरोर, ये ट्रांजेक्शन पासवर्ड इरोर आ रहा है तो इसको हम फॉरगेट कर लेंगे, ठीक है, इसको हम फॉरगेट कर लेते हैं। फॉरगेट करने के लिए आप जो पासवर्ड रखना चाहते हैं वो दोनों में एंटर करेंगे और सेंड पर क्लिक करेंगे। सेंड पर क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पे जाएगा कोड, उसको डाल के कन्फर्म पे क्लिक करना है। तो हमने वो सब कोड और डाल के पासवर्ड ट्रांजेक्शन का बना के वो सब मैं विड्रॉल लगा लिया हूँ, ठीक है, विड्रॉल रिक्वेस्ट कर दिया हूँ, वो हमारा ये हो गया है, ठीक है ना। यहाँ पर हमने ट्रांसफर कर लिया $50, अब देखते हैं बाइनेंस के अकाउंट पे रिसीव हुआ कि नहीं हुआ। सॉरी, यहाँ पर $2 कट हुआ है, $2 का कट हुआ है ना, $2 का कट हुआ है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इफ द रिसीव अकाउंट फील्स इन द एक्सटर्नल विड्रॉल एड्रेस द विड्रॉल फीस विल बी चार्जेस टू USDT, यानी कि जीरो फीस होगा रॉयल क्यू के अकाउंट पे ट्रांसफर करने पे जीरो फीस होगा, और अगर एक्सचेंज पे दूसरे अदर एक्सचेंज पर ट्रांसफर करेंगे तो वो $2 फीस लगेगा ही लगेगा है ना। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों ने सीख लिया कि रॉयल क्यू से आपको कैसे विड्रॉल करना है आपको अदर एक्सचेंज के ऊपर। इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी अपलोड करूं तो आपके मोबाइल या PC पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thanks for watching my video, like, comment or subscribe जरूर करें।